अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर से होंगे, जा रहे हैं खुश रहे, आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। दो दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो इसलिए कि पहले तो सैफ उमर बहुत बीमार थे, फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई। जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत लो हो गया था मेरा, तो हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने पहले ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, फिर थोड़ी सी तबीयत संभली, फिर हम लोग घर आए। फिर जुमे का टाइम था, हमने सब ने नए कपड़े पहने, नहा वहा के मैंने भी नहाया, बस वो नहाया। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे सर्दी चढ़ी है बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद जो मुझे बुखार हुआ बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। फिर रात को उनके पापा मुझे 10 बजे दोबारा लेके गए हॉस्पिटल, फिर उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया कि शायद मलेरिया का तो नहीं था, लेकिन ये है कि मलेरिया का इंजेक्शन नहीं था, वो नहीं इंजेक्शन तो मलेरिया का था लेकिन मलेरिया नहीं हुआ था, इंजेक्शन लगाया था मलेरिया का। ठीक है, फिर हम लोग घर आ गए थे, लेकिन पूरी रात मैं नहीं सो सकी थी क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा था। पूरी रात बहुत मुश्किल से गुजरी मेरी, तो सुबह 7 बजे इनके पापा मुझे दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे, क्रिक हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे, तो वहाँ ले गए थे। फिर उन्होंने फ़ौरन तौर पे मुझे बीपी वगैरह चेक किया, सब कुछ किया, मेरे 3 टेस्ट भी हुए वहाँ पे, तो जिसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। एक रिपोर्ट आ गई थी जिसमें गले में इन्फेक्शन आया, क्योंकि गला मेरा बहुत ख़राब हुआ है, कांटे चुभ रहे हैं गले में, पानी वानी भी नीचे नहीं उतर रहा, कुछ भी खाया नहीं, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया बिल्कुल भी, तो इसलिए ना फिर उन्होंने 2 ड्रिपें लगाई थी, सेफ नहीं करो हट जाओ, तो ड्रिप लगाई थी, 2 ड्रिप लगाई थी, तो जिसकी वजह से आज मेरा कनोला उतरा है। ये नज़र भी नहीं आ रहा होगा, हाथ पे नज़र नहीं आ रहा, मेरे दोनों हाथों पे मेरे ड्रिप लगी थी, एक के साथ पे लगी थी, एक के साथ पे लगी थी, समझो मेरी मुझे 3 ड्रिप चढ़ी है और 4 इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन अब जाके थोड़ी सी तबीयत कुछ संभली है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ आपके लो ईद की जो शॉपिंग हमने की है वो दिखा देती हूँ मैं, अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, हटो सर, हटो यहाँ से शुरू कर, कलर सामने टांग देती ना। 1 मिनट पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी ना दिखाना, चप्पलों से स्टार्ट करेंगे पहले। ये वाली है मेरी सैंडल, ये है नबिया की, ये मलाइका की है, और ये हानिया की, सैफ की, और ये उमर की, और ये सैंडल भी मेरी है, और ये पर्स है हानिया का, ये वाला मेरा है, और ये नबिया का बड़ी वाली का, और ये छोटी वाली का। ठीक है, ये सैफ उमर की कैप है, और ये इनके पापा का सूट है, और ये बच्चों की ज्वेलरी वगैरह। ये वाले किसके हैं? कौन से चश्मा? ये चश्मे बच्चों के हैं ना, ये वाले ये नबिया मिलाकर के चश्मे हैं बड़ी वालों के, और छोटे वालों को ये वाले चश्मे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है सैफ उमर के कपड़े, ये वाले सैफ के उमर के एक जैसे हैं दोनों भाइयों के कपड़े। ठीक है, और ईद वाले दिन के कपड़े इनके ये वाले हैं, एक जैसे कपड़े नहीं है ना हमने सारे, सिर्फ ये शर्ट अलग है और एक ये शर्ट अलग है। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला सूट किसका है? ये बड़ी वाली का नबिया का सूट है ये, और ये भी रेडीमेड शर्ट है, और ये मलाइका के देखो कैसा कलर आता है, समझ फिरोजी। अच्छा, एक सूट ये है मलाइका का, ये वाला किसका? ये मेरा, हाँ ये वाला मेरा सूट है, पकड़ो सर, ये देखो मेरे पापा दिखा रहे हैं, ये मेरा सूट है, और वो सामने टंगा हुआ मलाइका का, वो मलाइका का, और ये वाला भी दिखाओ वहाँ पे, ये वाला सूट है नबिया का, ये तीनों सूट इनके पापा लेके आए हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं तीनों, पहले तो बहुत प्यार लग रहा है तीनों के। अच्छा, मेरा सूट वो था, एक सूट मेरा ये वाला है, और एक सूट ये वाला है, और एक सूट तो मेरा ये वाला पहले दिखाया था, ये वाला सूट है। ठीक है, अच्छा जी, और ये बेडशीट की चादर तुमने आपको दिखाई थी पहले, ये भी आप आए भी हो। अब आ गई हानिया की बारी, ये हानिया के भी दिखा दो तुम, ये खानिया का ये वाला है, ये इसके तीसरे दिन का, और पहले पहले दिन की फराक, इसके पहले दिन की फराक, वो हैंगर पे टंगे हुए थे ना, ये देखो ईद के 3 दिन की शॉपिंग, देखो बच्चों की कितनी सारी चीजें, सारे दिन की तीनों ईद की तैयारी हो गई है ना, मुकम्मल हो गई। इनमें सिर्फ इनके पापा का एक ही सूट है
मेरी एक पैंट शर्ट लगी ना, वो तो तुमने दिखाई नहीं। वो पहले दिखाई थी ना मैंने, दो सूट पहन लिए ना तुमने अलविदा जुमे को पहना, एक पहले जुमे को पहना, दो सूट इन्होंने पहन लिए ना, तीन सूट सिलवाए थे मैंने। बेबी मेरे बेबी की कोल्ड ड्रिंक लगी हुई शेरे बुग्गे के ऊपर, ठीक है। तो हमारी शॉपिंग आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। बच्चों की तो तैयारी हो गई मुकम्मल। भाई उमर की उम्र कहाँ चल रही है, उम्र कहाँ चल रहे हैं आपके कपड़े कौन से, उम्र जल्दी से बताओ बेबी के कौन से कपड़े हैं। बेबी के, बेबी के ये वाले कपड़े हैं। वाह भाई वाह, बेबी के कपड़े हैं वो इतने प्यारे। बेबी के कपड़े तो भाई बड़े प्यारे हैं, कलर दोनों के पेंटों के अच्छे हैं। सै बदतमीजी नहीं करते बेटा, ये उम्र के, उम्र के दोनों की फ्रेंड चेक करें कैसे जबरदस्त। रुको मैं दिखा रहा हूँ, उम्र के भी इनके पापा लेके आए हैं कपड़े। और ये हैं सैफ के दोनों की, माशाल्लाह दोनों कलर अच्छे हैं पैंटों के चारों। जींसी कपड़े ना, ये वाले हमने हल्के लिए हैं ना ताकि पैर दोपहर में पहन ले बच्चे। गर्मी है, ईद का दिन, ईद वाले दिन गर्मी होती है ना बहुत, इसलिए बाद में उतार के जो है ना फिर वो पहना देंगे। भाई उमर ऐसे ही ना, ये खूबसूरत है उमर। उमर कुछ नहीं बोलता, उमर तो बस देखने में लगा हुआ ना, उमर सिर्फ देखने में लगा। चलो अब ये समेट देते हैं सब। हाँ आप लोग लाजमी हमें बताइएगा कमेंट्स में कि ये ईद की शॉपिंग कैसी थी और हमने ये कैसे करी। हम जानते हैं, आप लोग बताओगे पता चलेगा कि कैसे ईद की शॉपिंग हुई बच्चों की। इससे पहले ही कर रहे हैं, दिन से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कभी एक सूट कभी दो सूट, और फिर सारे सीए भी है ये मैंने। हाँ कुछ सीए फिर सिले सिलाए थे वो ऊपर वाले रेडीमेड, और हानिया के तीनों रेडीमेड, और बाकी ये सारे मैंने सिलाई किए हैं। हाँ ये वाले सिलाई किए हैं, बाकी ये सिर्फ रेडीमेड थी जो अनसिले जो सिले हुए लिए हैं। चलो बस 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 आज तो थक गए बहुत, आज हमने बहुत काम किया है, शॉपिंग भी दिखाई आपको पूरी अपने घर की बच्चों की, और पूरे घर का सफाई वफाई करी, जाले वाले उतारे, पंखे उनके साफ किए है ना सैफ हैं। अब पूरा घर को वॉश करके अभी हम लोग बैठे हैं थक गए। अब जो है ना आपको ये देखो कैसे घूम रहा है इधर उधर सैफ, नहीं करो सैफ चक्कर में नहीं था मैं तो, वैसे चक्कर में सैफ हट जा मारेंगे पापा, इधर आ जाओ, बहुत तंग करता है ये सैफ। तुम बोलते लाफी, चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कल ईद हुई तो कल ईद पे मिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह कल अगर ईद हुई तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।